हमने क्या पढ़ा? कुछ खास तो पढ़ा नहीं, हमने खाली रिपल्जन इंट्रैक्शन ही तो पढ़ा है, और नाम ही इसका रखा हुआ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, यानी कि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिपल्जन इफेक्ट। तो ये हमें ये नहीं बताता कि बॉन्ड कैसे बना है, इट गिव्स अस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देता है रिपल्जन के बेसिस पे, लेकिन ये नहीं बताता कि ये कैसे बना होगा, ये बॉन्ड बना कैसे है ना। तो दो थ्योरी यहाँ पर हाईलाइटेड है, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें क्या करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इसमें मेनली ये ना एक टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कि इसमें नहीं है, वो ऐसे कोई अलग सी बात ही नहीं थी उसमें, खाली तुम्हें बता दिया ना, मतलब देख रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि तुम्हें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, तो बात वहाँ ही उजागर हो गई कि देखो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो सकता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्जन हो सकता है, और लोन पेयर लोन के पेयर के बीच में हो सकता है। ये चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता थी, बस रिपल्जन वाली बात को उसने हाईलाइट कर दी और वो स्ट्रक्चर से रिलेट कर दिया, यही हुआ है ना, बड़ी बात है ये भी। लेकिन इसमें क्या है, इस थ्योरी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसमें एक वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। इसका बेसिक जो अब मैं आगे बताऊंगा ये कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एक्चुअली में मतलब बॉन्ड जो बनता है ना, वो सुनो इधर, बॉन्ड जो बनता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग की वजह से बनता है, ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग की वजह से बनता है। अब तुम ये पूछो इंटरमिक्सिंग क्या है, ये जब पास में आते हैं तो कुछ ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ होता होगा और फिर बॉन्ड बनता है। तो मेनली मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ बॉन्ड में बी फॉर्म्ड, ये एक्चुअली में बॉन्ड बना कैसे होगा उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इसकी भी कुछ अचीवमेंट है और इसकी भी अचीवमेंट है, और ये ना शेप भी दे देता है, ये जो है शेप के बारे में बताता है और कैसे मॉलिक्यूल बन के आया होगा, बॉन्ड कैसे बन के आया होगा ये भी बता देता है। तो इसकी एक कमी है कि इट जस्ट एक्सप्लेन्स अबाउट द स्ट्रक्चर बट नॉट नॉट हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, लेकिन ये वाला जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी बताता है कि कैसे मॉलिक्यूल बना होगा, और छोटी सी बात है एड अप कर देगा बस उसमें, और अपने ही थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिससे हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया ना। अब देखो, तो इसी बात को आगे यहाँ पर मना किया हुआ है एक्चुअली में कि कैसे वेव्स ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग के ऊपर बेस्ड है ये। तो एक्चुअली में ऑर्बिटल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि ऑर्बिटल्स में एक्चुअली में क्या है, वेव फंक्शंस होती हैं। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एक्चुअली में आई एम ट्राइंग टू से कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वेव्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो वेव के ओवरलैप करूंगा तो इट इज़ प्योरली मैथमेटिकल, है ना, मैथमेटिक्स आ जाएगी। वेव्स को हम एक मैथमेटिक्स के हेल्प से उसको हम एक फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन वेव कॉस वेव, है ना, या फिर उसके कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कैसे दो वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं, वो कंबाइन करके फिर हम उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी मैंशनड है कि वो वाली बात हमें नहीं करनी, हमें बस थियोरिटिकल और इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है कि कैसे होता होगा, ठीक है। और इसके के लिए क्या है कि अगर देखो अगर वेव्स ओवरलैप कर रही हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के लिए ऑर्बिटल्स का पास में आना जरूरी है ना, और ऑर्बिटल्स का पास में आना तभी पॉसिबल है जब एटम्स पास में आए। तो यहाँ से अब डिस्कशन ऐसे हैं कि चलो हम पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में एटम्स जब रिएक्शन करते होंगे तो उनके साथ क्या होता होगा, ठीक है, किस किस तरह की स्थितियाँ पैदा होती होंगी जब टू एलिमेंट्स ए एंड बी जब वो पास में आते होंगे तो क्या प्रोसेस होता होगा। तो इन्होंने शायद हाइड्रोजन की हेल्प से कुछ बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो लिखा मैंने साफ साफ कि व्हेन टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंसेस, इसमें ना एक एक बात इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो ना, कि व्हेन टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। हमने बोल दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन वहां है ऑक्सीजन वहां है तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, बल्कि हम एक डब्बे में भी पैक कर दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, एक डब्बे में पैक कर दें तो भी रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के होने से ही रिएक्शन नहीं हो जाता, उनका पास में आना जरूरी है, पास
पास में क्या टक्कर लगना जरूरी है, तब जाकर के रिएक्शन होगा। हाई हाई स्पीड से टक्कर लगना जरूरी है, तब जाकर रिएक्शन होगा, समझ रहे हो ना। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि अगर दो एटम्स लार्ज डिस्टेंस पे है तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। देखो एटम्स का इंटरेक्शन जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियाई पास में आएंगे तभी इंटरेक्शन हो रहा है। मैं एटम हूं तो मेरे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये एटम है तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। हम थोड़े भी पास में हैं और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर सकता है तो इंटरेक्शन हो गया, तो सम लेवल इंटरेक्शन हो गया। अब वो ज्यादा नहीं हुआ जिसको हम रिएक्शन की कैटेगरी में रख सके तो वो एक अलग बात है, लेकिन यही अगर लार्ज डिस्टेंस है हमारे बीच तो ना के बराबर इंटरेक्शन होगा। लेकिन एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जैसे ही हम दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा हमारे बीच में, देखो वर्ड इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब इसमें सारी बातें आ गई, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है दो साफ साफ पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है तो सोच लेना। कह रहे हैं कि दूर में है तो देर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल, लेकिन कहना चाहिए देर इज नो इंटरेक्शन नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए देर इज नील इंटरेक्शन, ना के बराबर इंटरेक्शन, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा ये बोलने का कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और मेरा दूर है तो हम आपस में किसी भी तरह से कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे, होंगे लेकिन वो ना के बराबर होगा, ठीक है। और जब हम अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ तो देयर विल बी सम इंटरेक्शन, न्यू इंटरेक्शंस विल बी फॉर्म, ठीक है, न्यू इंटरेक्शन विल बी फॉर्म। और इसमें हम दो डोमिनेंट इंटरेक्शंस की बात कर सकते हैं, देयर विल बी न्यू अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, देयर विल बी न्यू रिपल्सिव इंटरेक्शंस। और ये कैसे कैसे कहां कहां हो सकता है, तो देखो न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है बिगिन टू ऑपरेट, उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन होने लगेंगे जो पहले नहीं था। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, देखो दो है ना, या मोटे तौर पे दो ही बोला है कि अगर न्यू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव इंटरेक्शन देन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, पास में आ जाएंगे। If attractive interactions are more dominant than the repulsive interactions, the molecule will be formed. सीधी सी बात है। If repulsive interactions are more dominant, then molecule will not be formed. है ना, यही तो बात होनी चाहिए। तो एकदम एक एक digits में हम analysis कर रहे हैं कि actually में bond कैसे बन रहा होगा। तो देखो attractive interactions क्या उसकी किसके किसके बीच में हो सकता है, सोचो। आगे बढ़ने से पहले हम अपने imagination से काम करते हैं ना। अगर हम अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो किसके किसके बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, वी नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो मैं देखो मैं न्यूक्लियाई हूं एक, तो मैं जब अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे पास मैं क्या क्या लेके जा रहा हूं, इसके पास मैं इलेक्ट्रॉन भी लेके जा रहा हूं और मैं पॉजिटिव चार्ज भी लेके जा रहा हूं, है ना। न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और मेरा क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन है, मैं दोनों लेकर के इसके पास जा रहा हूं और ये भी इसके पास भी सेम ही चीज है। तो अगर मैं अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, न्यू वाला दो ओल्ड वाला भी है, मेरा इलेक्ट्रॉन और मेरा पॉजिटिव चार्ज तो आपस में अट्रैक्ट हो ही रहे थे, तो ये ओल्ड वाला है। न्यू वाला क्या होगा, मेरा हाँ समझ में आया, लेकिन मैं बोलूंगा ये बात। हाँ ठीक है, तूने सही बोला होगा, एक एक करके स्टेप, ये खुद सोचने वाली बात होती है ना, तो मैं बोल रहा हूँ तुम सोचो कि मेरा पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज और मेरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, यही होगा ना, यही अट्रैक्टिव। हाँ तूने भी यही बोला होगा, तो यही भी अट्रैक्टिव, न्यू इंटरेक्टिव इंटरेक्शन तो यही है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। देखो ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये तो ओल्ड वाला है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये तो खुद का है, और ये क्या है, अच्छा न्यू वाला नहीं लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, हाँ तो पहले तो यही दोनों ऑलरेडी इनका था ही, ये तो पहले से ही था ना, ये वाला न्यू वाला यहाँ लिखा होगा, हाँ ये है न्यू, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, तो दोनों का हो जाएगा, मैं ए हूं ये बी है, तो मेरा न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस और मेरा इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्टिव है। इसी तरह से रिपल्सिव इंटरेक्शन बनेगा,
तो मेरा मेरा हम दोनों का न्यूक्लियर, हम दोनों का न्यूक्लियस भी होगा रिपल्जन और हम दोनों का इलेक्ट्रॉन भी होगा रिपल्जन। अब देखना पड़ेगा कि इन चारों में दो अट्रैक्टिव के कारण है, नहीं दो नहीं, ये अट्रैक्टिव वाले कारण है और नीचे रिपल्जिंग वाले कारण है। अगर अट्रैक्टिव वाला अगर ज्यादा डोमिनेंट हुआ तो बॉन्ड बनेगा। यहां देखो ये लाइन देखो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज, है ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो पास आना चाहेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो दूर जाना चाहेंगे। तो पास अगर आएंगे तो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए और बॉन्ड बन जाएगा। ये डायग्राम में तुम मन में बसा सकते हो इस बात को, स्कीमेटिक डायग्राम होता है ताकि आगे वाला जब बॉन्ड ऑन फॉर्मेशन करो तो आप मैकेनिज्म सोच सको। वो ओल्ड वाला ही लिखा हुआ है, इस डायग्राम को आप समझ पा रहे हो। देखो हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी, इलेक्ट्रॉन ये खुद का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन दूसरे का ये भी अट्रैक्टिव, और कहाँ है, अच्छा डैश डैश लिखा हुआ है ना, ये डैश डैश जो है ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाला है, और ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। रिपल्सिव इंट्रैक्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। ठीक है देख रहे हो ना कि अब हम रिएक्शन के क्या मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, एकदम हर एक बात पकड़ रहे हैं कि आखिर में ये कैसे हो रहा होगा अंदर तक। और ये वाली बात वही लिखी हुई है जो मैंने अभी बोला कि अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्जन एंड द सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। अट्रैक्शन वाला देखो, अगर रिपल्जन वाला ज्यादा हुआ तब तो दूरी भाग जाएगा, अट्रैक्शन वाला ज्यादा हुआ तो पास में आ जाएगा। अब एक ऐसी स्थिति बनती होगी जब वो बैलेंस हो जाते होंगे, रिपेल भी हम दोनों पास में आ रहे हैं तो रिपेल भी हो रहा होगा और अट्रैक्ट भी हो रहा होगा, तो दोनों एक बैलेंस स्थिति बन जाती होगी और वहां पर हाँ इक्विलिब्रियम से स्टेट आ जाती होगी, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनना चाहिए, वीक बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, उस हिसाब से ये बन जाता होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर मैंशनड है कि अब ऐसी स्थिति में हमारे बीच में एक एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी अटेन कर लेगा, और उतनी एनर्जी अगर बाहर से सप्लाई कर दे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और नहीं टूटेगा तो अगर बाहर से एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो ये बॉन्ड बना रहेगा। देख और बस दो दो लाइन और दो, हाँ बस तुम घर जा करके ना रिवाइज किया करो इसको जितनी मैं बात बताता हूँ, क्योंकि हम एक्चुअली में हम इतना ज्यादा तुम्हें घर पे ना एक्चुअली में सेल्फ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ, घर जाकर खाली तुम रिवाइज करो। सेल्फ स्टडी का मतलब जैसे चैप्टर सोचते हो ना कि हम लाइन टू लाइन करेंगे, करते तो हैं हम, तो डेली बेसिस पे हम ऐसे ही करते हैं, बल्कि तुम्हारा टाइम बहुत ही कम लगने वाला है, बस तुम रिवाइज करो और जो मॉड्यूल दिए हुए उस जो किया हुआ है ना चैप्टर जो किया हुआ है उसके थोड़े अपने लेवल के हिसाब से जाता हूँ, ज़्यादा मुश्किल वाला टच कर रहे हो नहीं हो रहा तो थोड़ा सा उसमें चले जाओ, टॉपिक वाइज में चले जाओ और उसको प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहे, हाँ हाँ अभी नहीं होगा लेकिन होने लगेंगे कुछ समय में, होने लगेंगे। हाँ अब देखो कह रहा है कि जब स्टेबल स्टेबल स्थिति बनेगी उसकी, स्टेबल कैसी, इक्विलिब्रियम की स्थिति बनेगी, तो वहां पर देखो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए कि बॉन्ड लेंथ कितना था, 74 का बॉन्ड लेंथ बन जाता है। अब ये वाली बात तुम खुद ही बोल सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, जो बॉन्ड बन के आया, तो अगर मैं तुमसे ऐसे पूछ लूँ जो इस पूरे प्रोसेस से बॉन्ड बन के आ गया तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, सोचो।
पूरे प्रोसेस में स्टेबिलिटी आ गई, अट्रैक्शन और रिपल्सन इंट्रैक्शन का एक स्टेबिलिटी आ गई, अब वो स्टेबल हो गया वहाँ पर, तो उस समय अब कुछ बॉन्ड बन गया। बॉन्ड लेंथ भी लिखा हुआ है 74 पिकोमीटर। अब मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ और डायरेक्टली मैं ये पूछ रहा हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? हाँ, व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? कितनी नहीं बोल रहा हूँ। जब बॉन्ड बनता है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? तो एक्चुअली में यहाँ पर डेफिनेशन उल्टा लिखा हुआ होता है कि उस बॉन्ड को कहाँ से सोए, हाँ, तोड़ने के लिए, जब बॉन्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लार्ज डिस्टेंस, है ना? तो क्या एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, मतलब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? बॉन्ड जब बनता है ना, नेट वाली बात होती है कि जब तू उसको जब पास करता है, सुनो इधर, ये एक बहुत ही फंडामेंटल बात कर रहा है, सारी बात होनी चाहिए। अभी तूने एक बात बोली है, वो है वहां पर कि इसने बोला कि बॉन्ड एनर्जी ना एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं है। और देखो, जब वो दूर दूर थे तो पास में करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, पास में करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, लेकिन मान लो आपने दिया 100 जूल की एनर्जी दी उसको पास में ले जाने के लिए, और जब वो पास में आ गया, अब इंटरेक्ट करना शुरू किए, तो इंटरेक्ट करना शुरू ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने पढ़ा, तो इस तरह से इंटरेक्शन हुआ उनका, और उस इंटरेक्शन में अब वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब न्यू बॉन्ड बनता है ना, तो वो स्टेबल तभी होता है जब एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर बॉन्ड बनना है स्टेबिलिटी, न्यू बॉन्ड जो बना है वो अगर वो स्टेबल है, तो हमने जितना दिया होगा ना उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, नहीं तो वो स्टेबल ही नहीं होगा। तो मान लो अगर हमने 100 दिया भी था ताकि वो इनिशिएट हो सके, तो यहाँ से 100 से ज़्यादा ही निकलेगा, 150, 200, 300 इतना निकलना ही चाहिए ताकि नेट एक्चुअली में निकलना हो। मान लो 100 दिया था हमने, तो मान लो 300 निकल गया, तो कुल मिलाकर के 200 निकला, नेट 200 निकला। अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी ना, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बाहर से आपने वर्क किया है, जबरदस्ती आप उस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे ही आप अपना कंट्रोल छोड़ोगे तो सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना होकर के ऐसा होता है कि आपने 100 दिया और वहां पर बॉन्ड बन के 300 एनर्जी निकल गया, तो नेट कितना, 200 निकला। तो ऐसा होना ही चाहिए, नेचर का ये रूल है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो आपने 100 पहले से दिया था और 50 ही रिलीज कर रहा है, तो एक्चुअली में पहले से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी इस स्थिति में। 100 आपने दिया और वो 50 एनर्जी रिलीज किया मान लो, तो 50 तो नेट उसके पास ही रह गया ना, तो पहले वाली स्थिति के अकॉर्डिंग अब तो एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, लेकिन नेचर ये अलाउ नहीं करती है। नेचर क्या अलाउ करती है, पहले वाली स्थिति से अगर लोअर एनर्जी स्टेट में होगा तब जा करके नई स्थिति स्टेबल होगी, ठीक है? तो उसको 50 नहीं, उसको ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज करना चाहिए, तब जाकर के बॉन्ड बनेगा, ठीक है? तो जब बॉन्ड बनेगा तो एक्चुअली में एनर्जी रिलीज होगी। अब बिल्कुल इसकी इनिशियल स्टेज पे आओ, दोबारा हम बॉन्ड एंथैल्पी आ जाते हैं, कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी उस एटम को, एटम्स को जो मॉलिक्यूल बनाया ना, उस एटम्स को सेपरेट करने के लिए, कितनी, कितना सेपरेट, बहुत दूर करने के लिए, कितना दूर, ताकि एक दूसरे के इंटरेक्शन में भी ना आए, हाँ। और इसमें जो एनर्जी लगेगी ना, वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। अब पढ़ के देखो, सिंस द एनर्जी गैस रिलीज्ड व्हेन, देखो लिखा ही है पहली लाइन कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड, लेकिन इसका भी पॉइंट सही था, इसने बोला ना, बिल्कुल लॉजिक था, लेकिन थोड़ी ना बीच में तेरी ट्रेन ना टूट जाती है जरा सी, कि हाँ ये बिल्कुल सही बोला कि एनर्जी देंगे ना, तभी तो दूर दूर थे तो देंगे, तभी तो पास में जाएगा। तो और इसकी और कहानी वो थी जो अभी मैंने बोला, कि जब आप दोगे, यस, इनिशिएट करने के लिए आप उसको एनर्जी दे रहे हो, जैसे होता है ना कि आग लगाने के लिए माचिस का खाली तिल्ली दिखा देने से आग, पेट्रोल में आग नहीं लगेगा, आपको स्टार्टिंग में एक चिंगारी हीट अप करना पड़ेगा, और जैसे ही आप करोगे तो उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो अपने आप ही आग लग जाएगा। तो ऐसी बात यहाँ पर, स्टार्टिंग में आपने एनर्जी दी उसको, अब जब उसको बॉन्ड बनना होगा ना, जब बॉन्ड बनेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तभी जा करके आपने जो दिया था वो एक्चुअली में प्रोसेस हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है, वो स्टेबल होगा,
स्टेबल देन ऑफ द इसोलेटेड, बता दिया मैंने, द एनर्जी सो रिलीज्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम इन द कर्व एज डिपेक्टेड. कितना होता है? 435.8 किलो जूल. मतलब डेफिनेशन ना इसकी ऐसे ही बनाएंगे कि इतनी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ये देखो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है ना. जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी एनर्जी एक्चुअली में चाहिए होती है उसको बॉन्ड को सेपरेटली 100% ब्रेक करने के लिए, ऐसी स्थिति तक एटम को पहुंचा देने के लिए, इतना दूर पहुंचा देने के लिए कि वो एक दूसरे का इंटरेक्शन में आए ही ना. ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वही आपका बॉन्ड एंथैल्पी है, क्योंकि उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को ब्रेक करने में. ठीक है, अब देखो यहां पर एक वैल्यू दिखा हुआ है, ये करके दिखा दिया कि अगर इसमें आप इतनी एनर्जी दे दो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी अगर दे दो तो ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे. और हमेशा ज्यादा जितने भी हमने पढ़ा है एक मोल के ऊपर बात होती है ना, तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने के लिए गैसीय स्टेट में एक दूसरे के बिल विदाउट इंटरेक्शन तक पहुंचा देने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी. हम इसको लिख सकते हैं, इसमें खुद बनाना पड़ेगा एक्चुअली में.